फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत जरूरी पार्ट होता है उस फाइनेंशियल प्लान का पीरियोडिक रिव्यू। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा देखा है दैट दे डू नॉट रिव्यू देयर फाइनेंशियल हेल्थ ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज उनको लगता है कि ऑल इज गोइंग वेल बट ओनली लेटर डू दे रियलाइज दैट दे हैव फॉलन शॉर्ट। हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंटर्स डाले हैं जिनके बेसिस पर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस का रिव्यू कर सकते हैं। दिस विल गिव यू एन आइडिया वेदर योर फाइनेंसेस आर इन ऑर्डर और यू नीड टू डू अ लिटिल मोर। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। हम समझते हैं कि हर इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस अलग अलग होती है। बट बाय टेकिंग अ रिव्यू ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान और स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंटर्स यू वुड बी एबल टू टेल इफ यू आर ऑन ट्रैक टू अचीव योर गोल्स और नॉट। इफ नॉट यू माइट नीड सम हेल्प टू गेट योर फाइनेंसेस बैक ऑन ट्रैक। नंबर वन, सरप्लस कैश। द प्राइमरी चेक ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द अमाउंट ऑफ मनी ही कैन सेव एवरी मंथ। ये सेविंग्स है क्या? अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में तो आपका जितना इनकम है माइनस योर एक्सपेंसेस इज व्हाट योर सेविंग्स इज। अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा भी है वो किसी काम की नहीं अगर आप वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं। ज्यादा इनकम उसी टाइम काम आती है जब आपकी सरप्लस भी ज्यादा हो व्हिच मींस योर इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस शुड बी हाई एंड दिस शुड कीप इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा यू माइट नीड टू रिव्यू योर एक्सपेंसेस। नंबर टू, इंक्रीजिंग नेटवर्क। अ टोटल ऑफ ऑल योर एसेट्स माइनस ऑल योर लायबिलिटीज इज योर नेटवर्क। These assets may include properties, mutual funds, equity investments, savings bank में रखा हुआ पैसा, fixed deposits, gold and many more such things. Liabilities में आपके credit card dues, utility dues या कोई अगर आपने loan लिया हो, all of those are your liabilities. मतलब आपने इनकी payment करनी है अभी। आपका net worth यानी assets minus liabilities should keep increasing year on year. This is unless you've had some emergencies or some expenses which you cannot avoid. जैसे कोई medical emergency या बच्चों की education, उनकी शादी, ऐसे कोई expenses हो, तो other than that network should keep increasing. Best would be to review your network over a 3 or 5 year period. If this shows a decline, you probably need to review your portfolio. Number 3, small loans. आप क्या हर छोटे से छोटे expense के लिए credit card का use करते हैं या फिर अपने utility bills payment करने के लिए छोटे छोटे loans पर निर्भर है? अगर ऐसा है, this could mean you have a problem with your financial planning. ऐसे छोटे छोटे loans से ही बड़ी problems शुरू होती हैं. Once an individual gets into the habit of relying on loans for such small expenses and finds making payments of installments more convenient than saving money for expenses, it should ring a bell. Number 4, real rate of return. One of the biggest problems we see while saving money today for a future expense is of ignoring inflation. जब हम future के किसी expense के लिए planning करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि उन चीजों का दाम आज के मुकाबले बहुत ज्यादा होने वाला है। For example, अगर आपकी monthly expense when you're 40 years old is ₹50,000, जब आप 60 पे retire होंगे, you cannot expect कि वो monthly expense अभी भी 50,000 के रहे। This is going to be much much higher. So, in order to beat this inflation, आपका जो post tax और post इन्फ्लेशन रिटर्न है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये समझाने के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं। इंडिया में आज के डेट में इन्फ्लेशन इज बिटवीन 5.5% and 6%। मान लीजिए आप एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको 6.5% देता है। इस पर आपको टैक्स 30% का लग जाता है, यानी आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 4.5% का रहेगा। अब आपकी सेविंग तो 4.5% से बढ़ रही है बट एक्सपेंसेस 6% से बढ़ रहे हैं, विच मींस आप 1.5% का नेगेटिव रिटर्न कमा रहे हैं। तो यू शुड लुक फॉर इन्वेस्टमेंट्स विच गिव यू अ पोस्ट टैक्स रिटर्न हायर देन इन्फ्लेशन। द बेस्ट वे ऑफ चेकिंग दिस इज टू चेक द लास्ट 3 or 5 years रिटर्न फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। अगर पूरे पोर्टफोलियो का पोस्ट टैक्स रिटर्न 5-5.5% से ज्यादा है, यू आर प्रॉब्ली डूइंग ओके। इफ नॉट, शायद आपके पोर्टफोलियो में कुछ ट्वीकिंग की जरूरत है। नंबर 5, प्लानिंग फॉर इमरजेंसीज। मेडिकल इमरजेंसी और डेथ अनफॉर्चुनेटली ऑलवेज कम अनअनाउंस्ड। ये जरूरी है कि आप इनके लिए फाइनेंशियली हमेशा तैयार रहें। क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले रखी है और ये इंश्योरेंस कवर क्या आपके फैमिली के खर्चे कवर करने के लिए काफी है? अगर नहीं है तो यू कुड बी हेडेड फॉर ट्रबल। इसके बारे में इमीडिएटली सोचें और एक्ट करें। नंबर 6, क्लैरिटी ऑन गोल्स। अगर आप पैसा सेव कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए सेव कर रहे हैं और उस काम के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट वन पॉइंट इन टाइम यू कुड बी सेविंग फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, फॉर अ वेकेशन एंड योर रिटायरमेंट। आपकी प्लानिंग इन तीनों गोल्स के लिए एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। आपको ये भी प्लान कर लेना चाहिए कि आज के अंदाज से आपको हर गोल के लिए कितने पैसे जमा करने की जरूरत है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू पुट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू ईच ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरमेंट कुड बी योर प्राइमरी गोल फॉलोड बाय योर चाइल्ड एजुकेशन एंड अ हॉलीडे कुड बी द लीस्ट इम्पोर्टेंट। दिस विल हेल्प यू रिमेन फोकस्ड एंड हेल्प यू अचीव योर गोल्स विद ईज। अगर आप अपने गोल से डगमगा रहे हैं तो शायद आपको हेल्प की जरूरत है। ये थे कुछ गाइडलाइंस जिनके हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, we would recommend meeting a financial advisor. We hope you like this video. In case of any comments or questions, please post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Thank you for watching Zfunds.